धनबाद लोकसभा चुनाव जीतने को लेकर एक और जहां एनडीए प्रत्याशी ठुलू मतो और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अनुपमा सिंह चुनाव प्रचार प्रसार को लेकर पूरी ताकत झोंक दिए हैं, वहीं निर्दलीय प्रत्याशी भी पूरे दमखम के साथ प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस सिलसिले में गुरुवार को निर्दलीय प्रत्याशी करण महतो और त्रिदेव महतो ने चंदन क्यारी विधानसभा के शिवबाबूडी मानपुर समेत कई गांवों का दौरा किया, जहां मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम धनबाद और झारखंडी के माटी का बेटा हैं, इसलिए हक व अधिकार को लेकर लड़ रहे हैं। कहा कि विनोद बाबू के विचारों पर अगर कोई भरोसा किए हैं तो चंदन क्यारी एवं सिंदरी विधानसभा के लोगों ने किया है। दोनों विधानसभा से प्रचंड वोट मिलने जा रही है। कहा कि चंदन क्यारी स्थित इलेक्ट्रो स्टील प्लांट के वेदांता प्रबंधन द्वारा रैयतों एवं मजदूरों दलितों को शोषण किया गया है, परंतु यहां के सांसद एवं विधायक खामोश है, वह वहां पहुंचकर न्याय दिलाए स्थानीय के सुख दुख में साथ रहने वाले हैं। अगर हमें जनता का आशीर्वाद मिलता है तो बीसीसीएल एवं इलेक्ट्रो स्टील वेदांता कंपनी में पहले 25,000 लोगों को रोजगार दिलाएंगे। धनबाद में लोकसभा में विकास का काम होगा। चैनल के सबसे पहले बहुत बहुत खतियानी जोहार, जय झारखंड। दादा, चुनाव निर्दलीय हमने लड़ रहे हैं और विश्वास के साथ बोल रहे हो, आपको विश्वास के साथ बोल रहे हैं कि पूरा माय काकी चाचा चाची हम इनके नौजवान साथी भाई सब और खास करके तमाम आंदोलन में जो साथी सब जुड़ा रहे सबके साथ मिल रहा है, प्यार मिल रहा है और बहुत जल्द हमका लागो 20 तारीख तक एक माहौल भी थोड़ा चंदन क्यारी विधानसभा से नजर है तो कहे कि हमका लागो कि विनोद बाबू के विचार अगर सबसे ज्यादा कोई विधानसभा में असर कर रहे तो चंदन क्यारी और सिंदरी विधानसभा में, तो हमारा पूरा विश्वास हो, पूरा भरोसा हो कि बहुत जल्द हमने फिर से जंतरी आंदोलन के टाइम चंदन क्यारी जागरूक रहा है, सिंदरी जागरूक रहा है, फिर से हम इन मोड़ पे आई जीवे और बहुत जल्द चंदन क्यारी 19 नंबर टेम्पू छाप में सवारी करे लगे। ये चुनाव का क्या है, एक चीज बता दो कि बहुत पार्टी भी हमारा बोल रहे कि चुनाव आप हमारे पार्टी से लड़िए, लेकिन हमारे शुरू से एक सोच रहो कि हम इन 2 साल झारखंडी खातिर मेहनत कर लियो तो कहीं ना कहीं चुनाव भी हम इन झारखंडी मुद्दे पे लड़बो, कोई पार्टी से लड़ ले ऊपर ये चलो और सब निर्दलीय है तुम तो हम निर्दलीय ही हो और कहीं ना कहीं हमर पार्टी हर माय काकी गांव कर हर भाई हर नौजवान हर दबा कुचला जो शोषित पीड़ित है वही भाई सब मेरा पार्टी है और वही सब मेरा छाप। आपको दावा देखिए दोनों राष्ट्रीय पार्टी ने यहाँ टोटल हमको छोड़ के 24 कैंडिडेट डर रहे तो 24 कैंडिडेट को मेरे ओर से शुभकामना है। कहेगी ना हम ककरो ताकतवर बुझे हो ना कमजोर बुझे हो, हमारे खातिर सब बराबर हो, कहीं चुनाव लड़ रहे हो तो सब भाई के बराबर है तुम तो हम विश्वास के साथ बताओ कि टक्कर उक्कर का बात नहीं है, ये लड़ाई झारखंडियत वर्सेस पार्टियों का है और इसमें करण महतो बेहतर कर कि आपका ये गरीब का बेटा आपका भाई ठीक है 19 नंबर टेम्पू छाप धनबाद लोकसभा में जोरदार तरीके से अपने लोगों के साथ देख लीजिएगा 4 जून को जोरदार उपस्थिति दर्ज कराए। तो बड़ा बात स्पष्ट बता दे रहे कि आज आप बलियापुर में एयरपोर्ट लगने वाला था वो चला गया देवघर, एम्स लगने वाला था वो चला गया देवघर, कहीं ना कहीं आप देख लीजिए और अगर कहीं विकास के नाम पे कुछ काम हुआ है तो जैसे इलेक्ट्रिक स्टील है तो हमको लगता है सबसे ज्यादा अगर लासे कोई फैक्ट्री में लिया तो चंदन क्यारी का इलेक्ट्रिक स्टील लिया, सबसे ज्यादा अगर कोई शोषित पीड़ित है तो इलेक्ट्रिक स्टील के अगल बगल चारों तरफ के गांव शोषित पीड़ित है, तो हमको नहीं लगता है कि विकास हुआ है, लेकिन जो बाहर से आए हैं लोग उन लोगों का हुआ है, हमको नहीं लगता झारखंडियों का विकास हुआ है, तो हमको पूरी तरह से लग रहा है कि झारखंडी बेटा को इतना ताकत जरूर देगा, हम लोग वार्ड नहीं, मुखिया नहीं, जिला परिषद नहीं, विधायक नहीं, सांसद नहीं, फिर भी अपने लोगों के लिए 2 साल संघर्ष किए तो हमारे लोग हमको विश्वास है कि हमारे लोग हमको इतना ताकत जरूर देगा कि हम उनकी आवाज बन सके, उनकी बात को रख सके और उनके सुख दुख में काम आ सके। और विश्वास के साथ हम बताते हैं कि हम जिस समाज और जिस कौम से आते हैं कुर्मी कौम से, अगर किसी ने सबको ज्यादा छला है तो आज बताया धनबाद लोकसभा में एक कुर्मी कौम का बेटा को किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो मांग है 70 साल 76 साल हो गया है कि ST कॉलम में फिर से सूचीबद्ध करना, कहीं ना कहीं हमको लगता है वो अधूरा रह जाएगा, इसलिए हमको पूरा विश्वास है कि हमारा कौम हमारा समाज हमको पूर्ण समर्थन देगा और उसके बाद हम अपने समाज के लिए बेहतर
एक कार्यकर्ता के तौर पे काम कर सके और उनकी बातों को आगे तक ले। जयराम ने भी यहाँ धनबाद से अपने कौम अपने समाज को नहीं जोड़ा, इस पर क्या कहना है? देखिए, हम किसी पे खास टिप्पणी नहीं करेंगे, सब दादाओं को शुभकामना है। एक चीज हम बता रहे हैं, एक बात याद रख लीजिए जीवन में कि किस्मत से पहले माने वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी कुछ नहीं मिलता। देने वाला ऊपर वाला है, लेने वाला ऊपर वाला। अगर आप मेरे किस्मत में कुछ बेहतर लिखा हुआ तो कोई माई का लाल काट नहीं सकता, और मेरे किस्मत में अगर कुछ खराब लिखा हुआ तो कोई माई का लाल सुधार नहीं सकता। तो इसलिए हम मानते हैं सबका मालिक एक है, ऊपर वाला, और कहीं किसी से हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। हम इतना ही अपील करना चाहेंगे सारे धनबाद लोकसभा वासियों से कि आपके लिए हम लोग संघर्ष किए हैं 2 साल से। आप अपने बेटे को उस लाइक बना दीजिएगा 19 नंबर पे मोहर मार के टेम्पू छाप में कि आपका बेटा आपकी आवाज बन सके, आपका हक की बात कर सके और आपके लिए आगे बढ़ सके।